हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मेरी नई ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप बिल्कुल स्वस्थ और मस्त होंगे। आज की ब्लॉग में हम आप लोगों को दिखाएंगे कि लखनऊ जाना हो रहा है दोस्तों, चाचा जी की दवाई लेने, और हमारे भैया हैं एक अनीस भैया, उनकी दवाई लेने जा रहे हैं। उनको हिंद हॉस्पिटल अटरिया के पास छोड़ना पड़ेगा, और अभी घर से निकले थे और पहुंच गए हैं कोनी घाट। आप देख सकते हैं पीछे बोर्ड आपको दिख रहा होगा, और ये कोनी घाट है, ये बहुत फेमस जगह है और यहाँ की चाट भी बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो हमारे साथ आज बने रहिए वीडियो में और फुल सपोर्ट करिए। आप लोग मुझे प्यार देते हो, मुझे अच्छा लगता है, वीडियो को शेयर करते हो और लाइक करते हो तो अच्छा लगता है। तो ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रहें। और आप देख सकते हैं यहाँ का जो नज़ारा है, जो व्यू है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये देखो, ये रोड गया लखनऊ, तो हम लोग लखनऊ चलेंगे और फिर आपको पूरा दिखाते रहेंगे, ठीक है। तो बने रहिए वीडियो में, कंटिन्यू करिए और दवाई लेंगे, ग्लोब हॉस्पिटल में जाना है और दिखाएंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए, कंटिन्यू रहिए। तो अभी आप लोग देख सकते हैं हम आ चुके हैं हिंद हॉस्पिटल, और ये अटरिया में पड़ता है, ये सीतापुर के लिए गया है रोड, और ये लखनऊ। और अनीस हमारे साथ में है और हम इनको छोड़ देते हैं हॉस्पिटल में, तब तक ये अपनी दवाई ले लेंगे, और इनका यहाँ से इलाज चल रहा है। और आशीष भी आ चुका है, ऊपर गया ना। तो ये हॉस्पिटल है, यहाँ देखिए, ये हिंद हॉस्पिटल काफ़ी अच्छा हॉस्पिटल है, और इंस्टीट्यूट भी है यहाँ पर, स्टूडेंट भी सभी, मतलब डॉक्टरी वाली जो कोर्स होती है वो यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ से ये जाएंगे आशीष, किधर काफ़ी दूर है, तो ये इधर आप देख सकते हैं काफ़ी क्षेत्र लंबा है। तो अब इनको यहीं पर छोड़ देते हैं, और ये स्कूल्स भी है, ये हिंद इंस्टीट्यूट है और मेडिकल साइंस का अटरिया में। तो अनीस चले फिर, आप लीजिए यहीं दवाई, फिर हम मिलते हैं, ठीक है, चलो। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हम इनको यहाँ पे छोड़ दिए हैं और हम लिए जा रहे हैं चाचा जी को, और उनको भी अभी 11 बजे नंबर उनका लगेगा। जैसे ही हॉस्पिटल पहुँचता हूँ या जहाँ भी हम आपको चांस मिलेगा तो हम आपको दिखाते रहेंगे। आप लोग देख सकते हो हम पहुंच चुके हैं ग्लोब, और ये गाड़ी पार्किंग हमने इसमें कर दी, और ये ग्लोब है, और यहाँ पर हम लोग पहुंच चुके हैं हम। और ये इधर विवेकानंद और ये इधर ग्लोब। तो हम लेके चलते हैं आपको सीधा अस्पताल के अंदर। आप देख सकते हैं ये छोटा सा मेन गेट है, और इसी के अंदर एंट्री होती है पेशेंटों की, अगर कुछ इमरजेंसी होती है तो बड़े वाले गेट से आते हैं और गाड़ियां यहां पर खड़ी रहती हैं। तो सीधा चलते हैं इसके अंदर, ये का और आपको ये गेट मिलेगा, और इसके अंदर भीड़ भाड़ कम है, अभी सुबह है। तो यहां पर आप देख सकते हैं मेन गेट है, और इसको पुश करेंगे और सीधा आ जाएंगे रिसेप्शन में। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, रिसेप्शन में पर्चा बनवाएंगे, और डॉक्टर साहब अभी है नहीं, तो हम यहाँ रिसेप्शन में बैठे हुए इंतज़ार कर रहे हैं डॉक्टर साहब का। आप देख सकते हैं ये रिसेप्शन है, पेशेंट के लिए पर्चा बनवा रहे हैं ये सभी लोग, ये रिसेप्शन दिख रहा है आपको। तो इसके बाद में आप देखेंगे कि ये हमारे चाचा जी यहाँ पर बैठे हुए इंतज़ार कर रहे हैं, और आपको ये लिफ्ट मिलेगी जिससे आप दूसरी बिल्डिंग बी में जा सकते हैं। और ये सामने कैबिन है जिसमें डॉक्टर दीपक अग्रवाल जी बैठते हैं, पेशेंट इंतज़ार कर रहे हैं। और ये काउंसलिंग रूम है, डॉक्टर इसमें बैठते हैं, पहले काउंसलिंग करते हैं संदीप अवस्थी और साहिल टंडन। और ये रिसेप्शन यहीं पर पर्चा बनवाया जाता है, और यहीं बैठ करके हम लोग इंतज़ार करते हैं, फिर डॉक्टर साहब देखते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए वीडियो में, हम आप लोगों को और भी आगे ये ग्लोबल की जो पार्किंग है इधर पीछे बनाई गई है, और इधर हमने यहाँ पर गाड़ी पार्क कर दी है, और ये ग्लोबल इंस्टीट्यूट भी है। और उधर जो आप देख सकते हैं उधर सामने फाटक के उधर वो जो पुराना वाला ग्लोब हॉस्पिटल है जहाँ पर डॉक्टर दीपक अग्रवाल बैठते हैं। तो हम आपको लेके चलेंगे इधर थोड़ा रोड की तरफ, अभी डॉक्टर साहब बैठे नहीं हैं। तो ये कुछ इस तरीके का नज़ारा आप लोग देख सकते हैं।
तो ये सामने आप लोग देख पा रहे होंगे, सामने विवेकानंद है और इधर भी पार्किंग है और इधर भी। और चलेंगे रोड के ऊपर, अभी डॉक्टर साहब बैठे नहीं हैं, और आपको उधर का नज़ारा दिखाते हैं। और लीवर के बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं और बहुत दूर दूर से पेशेंट आते हैं ठीक कराने के लिए अपनी जो समस्या होती है, और काफ़ी लोगों को फ़ायदा भी होता है। ये इधर आप मेन गेट इधर से देख सकते हैं, ये इधर से ये पूरा इस तरीके से रिव्यू आता है इसका। और इधर सामने आप इधर देखेंगे तो पुल नज़र आएगा और हम आपको पुल के ऊपर लेके चलेंगे। तब तक आपको बाहर का रिव्यू दिखा देते हैं, अंदर कैमरा अलाउ नहीं है तो हम आपको अंदर नहीं दिखा सकते और कुछ इस तरीके का। तो यहाँ पर देखो पार्किंग है, यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं उनकी गाड़ी यहाँ पर पार्किंग होती हैं, बाकी जो मतलब पेशेंट आते हैं वो लोग अपनी गाड़ियों को अंदर पार्क करते हैं, जैसे कि मैंने अभी किया है। ये लाइन से आप लोग देख सकते हो इधर गाड़ी लगी है ग्लोब में। और पुल के ऊपर चलेंगे तो दिखाएंगे कुछ वहाँ से, तो साफ व्यू इसका ग्लोब का दिखेगा। और उधर जो पूरब साइड में आप देखेंगे तो वहाँ पर विवेकानंद हॉस्पिटल दिखेगा, जो स्वामी विवेकानंद के नाम से बना हुआ है। और ये पुराना वाला हॉस्पिटल है, आप देख सकते हो ये वाला। और ये डॉक्टर साहब के घर जाने का अंदर रास्ता है, और मेन गेट आप देख पाएंगे, मेन गेट ये है। और यहाँ हम कई बार आ चुके हैं, और लखनऊ शहर तो प्यारा शहर है ही, और किसी दिन हम आपको यहाँ का जो जनेश्वर मिश्र पार्क है उसका भी आप लोगों को व्यू दिखाएंगे। तो हम चलते हैं पुल के ऊपर, ये देखिए ये पुल के ऊपर चल रहा हूँ दोस्तों, हम पैदल ही चल रहे हैं, आप देख सकते हो हमारे साथ में इस तरीके से। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है और आपको भी अच्छा लगेगा, तो हमारे साथ बने रहिए, मैं पूरा कवर करने की कोशिश करूँगा। और कोई बाउंडेशन नहीं है, आप बना सकते हो, आओ तो आप यहाँ बना सकते हैं वीडियो, लेकिन जहाँ जहाँ अलाउ नहीं है वहाँ आप नहीं बना सकते। तो इस तरीके से, और ये सीधा चला गया कपूरथला, ये कपूरथला चला गया, और ये चला गया है आपका इधर मेडिकल कॉलेज की तरफ। तो ये कुछ इस तरीके का व्यू ग्लोब का दिखता है, और ये सभी गाड़ियाँ पार्किंग होती हैं। और मैंने बताया था कुछ साल पहले हमने अपनी दादी का इलाज करवाया था इस वाले हॉस्पिटल में 2014 के करीब, तो उसमें हमारी दादी एक्सपायर हो गई थी और काफ़ी एज भी हो गई थी उनकी 95 के करीब। पूरब साइड में आपको विवेकानंद दिखेगा और इधर आपको ग्लोब दिखेगा, तो ग्लोब का नज़ारा कुछ इस तरीके का है। और यहाँ पर डॉक्टर दीपक अग्रवाल जी बैठते हैं, जो लीवर के बहुत ही बड़े स्पेशलिस्ट हैं, और यहाँ तक कि मुलायम सिंह का भी एक बार इलाज कर रहे थे, हम आए थे यहाँ पे तो इलाज कराने, तो उस समय मुलायम सिंह यादव जो सपा के अध्यक्ष थे और जिनका भी हाल ही में देहांत हो गया, तो उन्होंने यहाँ पर इलाज करवाया था डॉक्टर दीपक अग्रवाल से। तो ये इस तरीके का व्यू आपको दिखेगा यहाँ पे, इस तरीके का। तो डर भी लगता है कहीं कोई ऐसे इधर आ गया, तड़ाक से मारा, हमारा मोबाइल वगैरह सब कहीं गिर भी सकता है, तो इसको हमने इस तरीके इस साइड में पकड़ लिया है। तो यहाँ से हम आपको पूरा दिखाने का प्रयास करेंगे, आप देखें ये विवेकानंद है, और थोड़ा जूम करके दिखाते हैं आपको इस तरीके का, ये विवेकानंद पड़ेगा। और यहाँ भी काफ़ी भीड़ भाड़ होती है, और इधर ये जो देख रहे हैं आप ये ग्लोब है, तो ये विवेकानंद और ये ग्लोब इधर। तो हमारे साथ वीडियो में कंटिन्यू रहिए और हम आपको ऐसे ही दिखाते रहेंगे, दवाई मिलेगी तब उसके बाद का वीडियो भी हम आप लोगों को दिखाते रहेंगे, तो कंटिन्यू रखते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो दवाई हम लोगों को फाइनली मिल चुका है, और दवाई लेने के बाद अब हम लोग निकलेंगे घर की तरफ सीधा। ये ग्लोब हॉस्पिटल आप लोग देख पा रहे होंगे, और दवाई मिल चुका है ये देखिए। और अंदर कैमरा अलाउ नहीं था, इस वजह से हम अंदर नहीं बना पा रहे थे, और अब हम जहाँ गाड़ी पार्किंग करी थी वहाँ पे, तो वहीं चलेंगे सीधा, और फिर
आप लोग हमारे साथ बने रहिए। डॉक्टर काफ़ी लेट आए हुए थे और तभी थोड़ा देर हो गए, और अभी फिर शाम को 5 बजे कोचिंग भी रहता है पढ़ाने के लिए, तो तब तक पहुँच चलेंगे। बने रहिए वीडियो में हमारे साथ। तो अभी आप लोग देख सकते हैं हम आ चुके हैं पुरनिया चौराहा, और पुरनिया का जो ओवरब्रिज है और यहाँ से नीचे कुछ इस तरीके का व्यू दिखता है, और घर के लिए हम लोग निकल रहे हैं। सामने वाला बिल्डिंग भी आप देख सकते हैं। अभी हम पहुंच गए हैं सिधौली, और सिधौली से अटरिया में अनीस को छोड़ा था लेकिन वो बस से चले गए हैं घर, और हम लोग यहाँ नाश्ता वास्ता करेंगे इस दुकान पे। और ये फाइनली हो चुका है, अब हम लोग चलेंगे घर की तरफ, और गाड़ी ले लिया है और कोनी घाट चलते हैं और वहीं पर थोड़ा वीडियो शूट करेंगे। तो चलते हैं। दो खस्ता बनेंगे, खस्ता खस्ता।
तो हम अभी पहुंचे हैं कोनी घाट, और कोनी घाट से ही हमने अपनी यात्रा लखनऊ की प्रारंभ करी थी। और अभी शाम के बज चुके हैं लगभग 3, और शाम हो रही है। अभी 2 घंटे हमारी कोचिंग का समय स्टार्ट होने में बाकी है। 5 बजे मेरी कोचिंग गांव में स्टार्ट हो जाती है। अभी मैं अपने गांव से लगभग 40 किलोमीटर दूरी अभी होगी हमारे यहां से, जहां पे हम हैं इस समय। तो अभी थोड़ा मैंने बोला नाश्ता वास्ता कर लेते हैं, और यहां की जो फेमस चाट है, और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं खस्ता, तो वो बहुत फेमस है। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं और उसको खाते हैं। तो अभी क्या है कि कोनी घाट हम आ चुके हैं, आप देख सकते हैं। ये देखो भाई, कोई यहाँ सो रहा है, देखो। तो ये कोनी घाट है, इसी ये फेमस जगह है, और ये सरई नदी के नाम से जानी जाती, सतई नाम है इस नदी का। और ये कुछ इस तरीके का नज़ारा आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या सुंदर दृश्य है। हाय, ये देखो भैया कुछ उसके अंदर मछली कैचिंग वगैरह भी कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं। तो बहुत खूबसूरत नज़ारा यहाँ से दिख रहा है, और आप देखें ये व्यू आ रहा है यहाँ पे, और नदी के अंदर मछलियाँ भी पकड़ी जा रही हैं। और देखिए इधर मैं आपको दिखा रहा हूँ, उधर का जो दृश्य है बादलों के बीच, ये कितना सुनहरा दृश्य लग रहा है। आपको मैं यहाँ से दिखाता हूँ, ये देखो भैया। हेलो भैया, हाय, तो कितना मिला है अभी? कितना, 1 किलो? तो ये भैया देखो यहाँ पर मछली पकड़ रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो कमेंट में बताइए कि आप लोगों को कैसी लगी। और मैं आप लोगों को ऐसे ही डेली देसी अंश पर वीडियो देता रहूँगा। और आज की वीडियो काफ़ी लंबी ना हो तो इस वजह से अपनी वीडियो को हम ना कंटिन्यू करते हुए यहीं पर वाइंड अप करना चाहेंगे, तो आपसे इजाज़त चाहते हैं। तो आज के लिए दोस्तों हमें इजाज़त दीजिए, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट और ज़ोरदार वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।